हाँ तो दोस्तों, हम करवा रहे थे आपको हरियाणवी कहावतों की अंग्रेजी क्या होती है। इसी कड़ी में हम 6 नंबर पे लेकर आए हैं, गाम ना बशा मांगते हांडगे, गाम नी बशा मांगते हांडगे। क्या मतलब हुआ कि अभी कोई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था कि उसको मांगने वाले आ गए, अर्थात डिमांड आ गई, काम शुरू भी नहीं हुआ था। टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। हैच्ड हैच क्या होता है? मुर्गी के अंडों को हैच किया जाता है तभी उसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाम तो बशा नहीं, काम बशा नहीं, अर्थात मुर्गी ने अपने अंडे दिए नहीं, उनको मुर्गी ने जो है हैच किया नहीं, बच्चे गिनने शुरू कर दो, मुर्गी के चिकन गिनने शुरू कर दो। बोलन आले के बुमले बिक जा, ना बोलने वाले के बेर बिना बिके। बोलने वाले के बुमले बिक जा, ना बोलने वाले के बेर बिना बिके। बुमले क्या होता है? जो बाजरा होता है, हम बाजरे को कूटते हैं तो बाजरा ही तर पाता है, वो बुमले होते उड़ जाते हैं हवा में, वो किसी काम के नहीं होते। अर्थात जो बोलते हैं लोग उनके तो जो है कुछ भी बेच ले, वे कितना घटिया सामान वो भी बिक जाता है, उनकी कला है बोलने की। लेकिन जो ऐसे हैं कि जो चुप रहते हैं, जो बोल नहीं पाते, उनका जो क्या होता है, उनका जो है अच्छा से अच्छा सामान भी नहीं बिकता है। तो ये बोलने की कला होता है। गिफ्ट ऑफ गॉड इज द हाई साउंड टू सक्सेस, गिफ्ट ऑफ गॉड इज द हाई साउंड टू सक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? जो बोलना सीख गया वो कामयाब हो गया, जिसने बोलना नहीं आया वो पिछड़ गया। अगला देखो, बहुत ही फेमस सही है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। खूब सुनी होगी अपनी हरियाणवी कहावत। क्या मतलब हुआ कि घर के अंदर तो डॉक्टर बैठा है मान लिया जाए, या विद्वान आदमी है, उसकी तो बात मानेंगे नहीं, बाहर जाएंगे। जैसे नहीं तो सत्संग में जा रहे हैं, को कहीं जा रहा है, घर में अपने घर में टीचर है उससे पढ़ते ही नहीं, बाहर ट्यूशन लगवा रहे हैं, घर में डॉक्टर है उससे दवाई ले रहे, बाहर दवाई बोएंगे हमें हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ए प्रोफेट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड, ए प्रोफेट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। अर्थात एक विद्वान जो है, प्रोफेट होता है साधु संत विद्वान, उसकी अपनी जमीन पर कम ही पूछ होती है, उसको कोई पूछता नहीं, और होता सम्मान का, सम्मान कम होता है। चोर चोरी छोड़ दे पर हेरा फेरी ना छोड़े, चोर चोरी छोड़ देगा पर हेरा फेरी ना छोड़े। अर्थात अगर कोई पुराना चोर है वो चोरी करना छोड़ दे, फिर भी वो हेरा फेरी जरूर करेगा, चाहे उन्हें अपने घर में करनी पड़ जाओ। अब ये क्या कहता हैबिट इज रेस्टिंग टू बी गिवन अप। क्या अंग्रेजी होगी इसकी? हैबिट इज रेस्टिंग टू बी गिवन अप। अब देखो, जिस थाली में खावे उसी में छेद करे, ये भी एक मशहूर हरियाणवी कहावत है, जिस थाली में खावे उसी में छेद करे। क्या अंग्रेजी होगी इसकी? क्या मतलब हिंदी में? हिंदी मतलब ये है, जहाँ पर नौकरी करे है, जहाँ पर काम करे है, जिन्हें आपको सारा दिया है, उसी की बुराई करते घूमने जा। लेइंग वन एट द ज्वाइंट ऑफ द ब्रांच वे अपॉन द सीटेड वेयर अपॉन बी सीटेड, अर्थात इस ऐसी शाखा पर बैठे हैं अपने जिसने साख सहारा दिया उसी ने तोड़ने लग जाए, अर्थात अपनों को धोखा देना। जिसका खाइए टिकड़ा उसका गाइए गीतड़ा, जिसका खाइए टिकड़ा उसका गाइए गीतड़ा। क्या मतलब हुआ कि जिसके जिसका हम रोटी खाते हैं, टिकड़ा मतलब रोटी, उसकी ही प्रशंसा करते हैं, उसी का गीत गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अंग्रेजी में क्या हुआ? हुज ब्रेड आई ईट आई सिंग हिज प्रेज, हुज ब्रेड आई ईट आई सिंग हिज प्रेज। भाई जिसका हम जिन्हें हमें सहारा दिया है, जो हमारा राजा है, जिसके देश में हम रह रहे हैं, उसी की तारीफ करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो दिखती बात है कि वो नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हरियाणवी कहावत है, बहुत मजेदार, पूरी वीडियो देखना, आप छोड़ के जाना नहीं, बीच में छोड़ना नहीं, बने रहना। हाँ जी, हम 12th में आ गए हैं। घनी शाणी दोबे पोवे फिर भी भूखी सोवे, घनी शाणी दोबे पोवे फिर भी भूखी सोवे। क्या मतलब होया? जो चालाक आदमी होते हैं वे आदमी बहुत चालाकी करते हैं, फिर भी वो भूखे रह जाते हैं, अर्थात थोड़ा काम नहीं बनता। अब देखो अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे, मोर क्लेवर रिमेन्स ऑफन हंग्री टू बी स्टार्व,
More clever remains hungry. More clever remain often hungry to be starved. Starve क्या होता? भूखा मरना. जो चालाक लोग होते हैं कितनी भी चालाकी कर ले वे, लेकिन फिर भी उनको फायदा नहीं होता. मरे पीछे बैद बतेरे, बिके पीछे ग्राहक बतेरी. मरे पीछे बैद बतेरे, बिके पीछे ग्राहक बतेरी. कहते हैं मर के पाछे, कहते हैं कि उस डॉक्टर ने बुला लेते, वहां दिखा लेते, दिल्ली ले जाते, पंजाब ले जाते, चंडीगढ़ ले जाते. और जब कोई बिक जाए, मान ले कोई भैंस बिकी है, गाय बेचनी है, कोई बैल बेचना है, फिर कहे मान ले कोई गाड़ी बेचनी है, बाइक बेचनी है, फिर अरे इतनी सस्ती क्यों बेच दी, इस तरह फालतू मैं ले लेता. अर्थात बिकने के बाद, तो बिकने के बाद आएंगे मैं ले लेता, मरने के बाद आएंगे वो डॉक्टर अच्छा था. तो इसका मतलब क्या था, काम होने के बाद इलाज बताने वाले मिलेंगे इस देश में. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए थिंग वेन लॉस्ट इज वैल्यूड मोस्ट. ए थिंग वेन लॉस्ट इज वैल्यूड मोस्ट. मुझसे न पागी अर्धी की गांठ, वही पंसारी बन बैठा. मुझसे न पागी अर्धी की गांठ, वही पंसारी बन बैठा. क्या मतलब हुआ इस बात का, कि कोई छोटा सा कुछ भी छोटी सी चीज मिल जा, इतना रिफल जाएंगे जैसे कि वो पता नहीं के सहनसा बन गया, कि कोई राजा बन गया. जैसे किसी के पास कोई छोटा मोटा कोई चार्ज आ जाए, वो अनुमान है कोई बड़ा अफसर बन गया. तो कहने का मतलब क्या हुआ, छोटी सी चीज मिल करके बहुत फूल का कुप्पा हो जाना, खुद को जो है पता नहीं क्या राजा समझने लग जाना. तो इसको अंग्रेज में क्या कहेंगे, ए मीन माइंडेड पर्सन फील्स प्राइड विद ए लिटिल गेन. ए मीन माइंडेड पर्सन फील्स प्राइड विद ए लिटिल गेन. अर्थात मीन माइंडेड, घटिया दिमाग के जो लोग होते हैं, छोटे से लाभ पर भी इतराने लगते, इतराना इतराना. नानी खसम करे दोता दंड भरे. भाई थोड़ा अजीब सा है, नानी खसम करे दोता दंड भरे. अब वो खसम करे तो मैं नहीं बता सकता आपको, कहावत है हरियाणवी. इसका मतलब क्या है कि करे कोई भरे कोई. देखो जैसे समवन होल्ड्स मनी एंड अनदर टेक्स पेन. कोई पैसा कोई और चुरावे, कष्ट कोई उठावे. अर्थात क्या मतलब हुआ कि मेहनत करके कोई पैसा जोड़े है और मजे उस पर कोई और लुटे है. ऐसा ही होता भाई, माँ बाप मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं, औलाद उस पर मौज उड़ाती है. अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये भी खूब सुना होगा आपने. अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, खूब सुना होगा आपने. अर्थात अकेला के कर लेगा, होता अकेला है. इसकी इंग्लिश क्या होगी, यूनाइटेड यू कैन वट सिंगल यू कांट. यूनाइटेड यू कैन वट सिंगल यू कांट. अर्थात इकट्ठे मिलकर आप सब कुछ कर सकते हो, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. तो दोस्तों ये थी हमारी, कितनी है, 16 है, ये 6 है, ये 16 है. और आप और भी ऐसी 3-4 वीडियो आएंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है. देखो हरियाणा को छोड़कर जो दूसरे बच्चे हैं या मेरे साथी हैं, हो सकता उनको हरियाणवी का होता होगा, न पता हो, लेकिन जो हरियाणा से जुड़े हैं, जिनकी मिट्टी हरियाणा है, जो हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा की माटी के लाल हैं, वो अच्छी तरह हरियाणवी कहावतों को जानते हैं. जो नहीं जानते वो सीख लें, बहुत मज़ेदार हैं. हरियाणवी कहावतें अंग्रेजी में आ रही हैं और इंग्लिश तो यूनिवर्सल आपको पता है. तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो पूरी वीडियो देखिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए प्लीज़. थैंक यू सो मच.